आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों, हमें दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। दैनिक भास्कर, नीति आयोग, डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन, एक्शन एड के अलावा बहुत सारे देश के प्रतिष्ठित लोगों का आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान है। खास तौर से हिज एक्सेलेंसी हाई कमिश्नर ऑफ नाइजीरिया एंड हाई कमिश्नर ऑफ कीनिया, दे आर हाईली वेलकम फ्रॉम दैनिक भास्कर एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। इस कार्यक्रम में देश के राजधानी में आयोजित कराने में विशेष योगदान यूनाइटेड नेशंस नैरोबी के चीफ सिद्धार्थ चटर्जी और हमारे देश के सबसे अग्रिम संस्थान नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी को जाता है। इसके अलावा उन सारे अनुभवी शिक्षाविदों को, जूरिस्ट को, ब्यूरोक्रेट्स को, सोशल वर्कर्स को और जो फॉरेन सर्विसेज के अनुभवी लोग हैं, उन सब लोगों ने इसको सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इस चीज़ की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बुद्धिजीवियों का एक वर्ग, एक ऐसा एक संयुग्मित सेंटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसको गांव तक पहुंचाना एक बड़ा दुष्कर कार्य है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब जीवन का एक एलेक्सर ऑफ एक्सपीरियंस निचोड़ लेके आए हैं और उनसे ये अपेक्षा है कि वो अपने अनुभवों को वो रास्ता बताएं कि गंगोत्री से गंगा निकल के गांव तक जाए। ये देश में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और शीर्ष पदों पर बैठे और शीर्ष जिम्मेदारी निभा रहे लोगों के प्रति ज्यादा ही बनती है। दैनिक भास्कर ने एक पहल की कि हम गांव तक जाएंगे और लिखाई पढ़ाई समाचारों के अलावा हम विकास की जो धारा स्टार्ट हुई है उसको गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। इस कोशिश में जब जब मेरे द्वारा या मेरे सहयोगियों के द्वारा यूएन नैरोबी के हेड सिद्धार्थ चटर्जी से संपर्क किया गया, रात हो या दिन, इन्होंने हमेशा उस चीज़ को आदर सम्मान और उसके साथ एक रास्ता दी है, दिशा दी है और वो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। वही दूसरी ओर विकास के मामले में दिन हो या रात हो, किसी भी समय अगर मैंने अमिताभ कांत जी को अगर फ़ोन किया है और उनसे कोई सहयोग या मार्गदर्शन मांगा है तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ऑफिस आवर का काम है, ऑफिस के समय का है, बात का है। उन्होंने रात दिन और आज भी सुबह एक चीज़ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो भी सहयोग है हमारा पूरा सहयोग है। इसलिए नीति आयोग, भारत सरकार और उनके सभी सहयोगियों को भास्कर की ओर से, हमारे पाठकों की ओर से और हमारे जो आमंत्रित अतिथि हैं उन सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग आज विकास कैसे हो, उसकी कोई भी स्टेटिक्स डायनामिक्स हो, गरीब आदमी खुशहाल बने, इसके लिए सारे प्रयत्न हैं। उसके लिए देश के चुनिंदा लोग इकट्ठे हुए हैं। सोच और संकल्प ये है कि यहाँ से एक ऐसी विचारधारा, ऐसा मूवमेंट शुरू हो जो गांव तक रियलिटी में पहुँचे। असली हकदार गांव का गरीब आदमी है, वंचित है जो मार्जिनलाइज्ड है। लिखना, पढ़ना, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन, लॉट ऑफ प्रोसेस ना, वो सब लोग हम लोग देखते हैं।
हम लोग पार्लियामेंट का बजट भी कवर करते हैं, हम लोग बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस अधिवेशन भी कवर करते हैं, लेकिन सारी कार्रवाई को एक घंटे के अंदर आके लिखते हैं कि इसका निचोड़ क्या है। हमारा कोई भी विधान हो, कोई भी विज्ञान हो, कोई भी उसकी स्टेटिक्स हो, डायनेमिक्स हो, विकास की, हम गांव तक सीधे सरल रास्ते में कैसे पहुंचाएं, ये हमारा पहला संकल्प। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, गांव के आदमी को सीधे से बताने की ज़रूरत है आपके सर्वांगीण विकास का ये एक प्रोग्राम है। जैसे रामचरितमानस अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके के अध्याय हैं, सुंदरकांड, उत्तरकांड, अरण्यकांड, सब में अलग अलग तरीके की गीता में, महाभारत में ज्ञान दिया गया है। इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में दुनिया के हर व्यक्ति के विकास का, समग्र विकास का इसमें रहस्य छिपा हुआ है जिसको बताए जाने की जरूरत है। आज गरीब आदमी को आगे उठाने के लिए सरकार, यूएन, सामाजिक संस्थाएं, समाचार पत्र, ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशियल, सोशल वर्कर, सारे लोग चिंतित हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हम उनको स्पर्श, उनको टच नहीं कर पा रहे हैं। उनको हम विकास का जो लाभ है उसको दिलाने में कहीं ना कहीं हमारे रास्ते में अड़चनें आ रही हैं। उन अड़चनों को आप सबके जो अनुभवी जो विचार हैं उनको रखते हुए उसका जो गेटवे हम लोग खोलना चाहते हैं, उसके लिए मंथन के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि गाँव के गरीब, जो अंतिम गरीब व्यक्ति है, उसके पास तक कैसे पहुँचे। इसमें आप सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। आप हम ही लोगों का नहीं, देश में हजारों लोगों का आप उत्साहवर्धन के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। आपकी आवाज़, आपकी प्रेजेंस उनके लिए एक इंस्पायरिंग वॉइस होगी, एक आप उनको एक मोमेंटम देंगे। हमने बहुत सारे लोगों को देश के, विदेश के आग्रह किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट केनिया और इंडिया को मिला के क्या नया एक आयाम खड़ा किया जा सकता है डेवलपमेंटल फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए। उसके लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर एक किताब लिखी गई है, उसमें हमारे सम्माननीय आदरणीय अमिताभ कांत जी ने हमारे आग्रह को, समाचार पत्र के आग्रह को स्वीकार किया। उन्होंने उसका फॉरवर्ड लिखा कि देश को किस तरीके की विकास का रास्ता कैसे सुगम और आसान हो। उसमें सिद्धार्थ चटर्जी जी ने लिखा है कि हमारे यूएन का क्या रास्ता है, कैसे आम आदमी के पास तक पहुंचा जा सकता है। उसमें हमारे केन्या के मेंबर पार्लियामेंट स्वरूप रंजन मिश्रा जी हैं, उन्होंने लिखा है। प्रोफेसर जीएस राजपूत साहब ने शिक्षा के लिए किस तरीके जुड़ सकते हैं, और परम श्रद्धे बिंदुश्वर पाठक जी ने उसमें लिखा है कि हम किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाएं। इस पुस्तक के प्रकाशन का सिर्फ मूल कारण ये था कि दुनिया में इस चीज़ का संदेश जाए कि SDG विकास के लिए सबसे सशक्त पहल भारत में सामाजिक और सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर साझा रूप से एक सशक्त पहल की गई है, और जो पहल 2030 तक अनवरत जारी रहेगी। पहली पुस्तक ये उस समाज के लिए है प्रेरणादायक संदेश कि हर अखबार, समाचार पत्र पुस्तकें लिखे, अलग अलग संगठन पुस्तकें लिखे, सरल भाषा में गांव के आदमी को, जैसे इलेक्शन में पंफलेट बांटा जाता है, उसको बताया जाता है कि आप पढ़े हो न पढ़े हो, लेकिन ये समझो कि वोट इस पर देना है। वैसे ही विकास के लिए उसको बताया जाना है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, चित्र देखो, उसकी भाषा पढ़ो, कोई भाषा पढ़ सकते हो, आप इसको समझो, इसके स्टेक होल्डर बनो और इसकी ओनरशिप लो और इस काम को चलाओ।
मैं इस मौके पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी से इस बात की दरखास्त करूंगा, आग्रह करूंगा कि जो पुस्तक लिखी गई है उसका वो अपने आयोग में लोगों से अध्ययन कराएं और इसको प्रदेश के सभी जिलों में, देश के सभी राज्यों में, सभी जनपदों में, ब्लॉकों में और ग्राम पंचायत तक उसको पहुंचाने की कोशिश की जाए, जिससे आदमी को, इंसान को, छोटे जो गांव के लोग हैं उनको ये पता चले कि हमारे बारे में भी कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है और हमको इस विषय में सोचना और समझना चाहिए। ये पुस्तक यहाँ के विमोचन के बाद मेरी कोशिश होगी कि नीति आयोग के सहयोग से मैं देश के सभी राज्यों में इसका मैं इसी तरीके से विमोचन सुनिश्चित कराऊं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराऊं और लोगों को विकास के बारे में जोड़ने का एक मूवमेंट शुरू हो। अंत में मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस बात को चाहूँगा कि जो नीति आयोग ने एक प्रेरणा दी है, यूनाइटेड नेशंस की ओर से जो एक दूसरी एक मोमेंटम बना है, वो गांव तक पहुँचे, उसके लिए वो जिस तरीके का सहयोग हमारे देश के स्वयंसेवी संस्थानों को, समाचार पत्रों को, बुद्धिजीवियों को प्रदान कर सकते हैं, ये मेरी दरखास्त है, मेरे विनम्र अनुरोध है। और हम देश के विकास में दैनिक भास्कर, कोई भी अगर समाज को, देश को, इंडस्ट्री को, आम आदमी को बढ़ाने की कोई भी मुहिम होगी उसमें हम किसी भी तरीके से हिचकेंगे नहीं, कंधे से कंधा मिला के हर रूप में हम उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।